बुझी समा भी बदल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय हिंद साथियों, हम देखते हैं आज उसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से हम पार्टी क्वेश्चनों को सॉल्व करते थे, ठीक आज उसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है हमारे पास में आ चुका है। इस प्रकार से हमें सभी क्वेश्चनों को फास्ट से फास्ट, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, और जितने अधिक हम प्रैक्टिस सेट लगा पाएंगे उतने ही हम एग्जाम में नंबर मार्क कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही जरूरी है। और प्रैक्टिस सेट हम किस प्रकार से लगाएंगे, जो कि मैं आपको प्रतिदिन एक ना एक लगवाता हूँ, तो देखते हैं। एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 2:4:9 के अनुपात में है। यदि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या में क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात क्या है? उसने क्या कहा है कि छात्रों में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। तो जो पहले पुराना रेशियो दिया हुआ था और कुछ वृद्धि की हुई है, तो जो पुराना रेशियो दिया हुआ था वो कितना है, 2:4:9 दिया हुआ है। पहले का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:4:9 दिया हुआ है। उसने कहा है कि इस रेशियो में 10%, 20% और 40% की क्या की गई है, वृद्धि की गई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे 2, 4 और 9, तो 10% की वृद्धि यानी 110% / 100 हो जाएगा, 20% की वृद्धि यानी 120% / 100 हो जाएगा, 40% की वृद्धि यानी 140% / 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सभी के बीच में क्या है, रेशियो है, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, तो 11:2 = 22, 22/10 अनुपात है, 12:2 = 24, 12×4=48, 48/10, यहाँ पे 14:126/10, तो सभी क्या है, सेम संख्या है इसमें है, तो क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, तो हमारा रेशियो कितना बचेगा, 22:48:126 ये रहेगा। यहाँ पे हम देखेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 11:2 = 22, 24:2 = 48 और 63:2 कितना होता है, 126, तो हमारा ऑप्शन कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। इस प्रकार से हम मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्लिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार का एक और क्वेश्चन सभी करेंगे हम, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है, इसको रफ करते हैं और रफ करने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, कक्षा 6 में छह छात्रों के लिए विज्ञान में अंकों का औसत 48 है। परिणाम घोषित करने के बाद यह एक छात्र के मामले में पाया गया कि अंक 45 को गलती से 54 पढ़ लिया गया था, सही औसत क्या है? तो एक 45 था, उसको हमने गलती से कितना लिख दिया था, 54 कर दिया था, तो सही औसत करना है। तो औसत कितना था पहले, 48 था, लेकिन जो इसको सिंपल तरीके से करने का मैं बताता हूं, तो जो उसने पहले कहा है कि 6 छात्रों के लिए विज्ञान के अंकों का औसत 48 था, लेकिन परिणाम घोषित होने के बाद यह एक छात्र के मामले में पाया गया कि 45 अंक को गलती से 54 पढ़ दिया गया, तो 45 तो सही कितने थे, 45 थे, लेकिन गलती कितने की हुई, 54 की हुई, 54 पढ़ लिया गया। कितने छात्र थे, तो 6 छात्र थे, इतना करना था, तो 48 मैंने यहाँ लिखा माइनस, यहाँ पे प्लस लगना है, सॉरी यहाँ पे प्लस, 45 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, माइनस का 9 बचेगा, बटे 6 कितना ही होगा, 9×45, 9×6=54, तो 48 प्लस, अब यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, माइनस लगाएंगे, 6 का भाग इसमें देंगे तो 6 कम 6 बचा 3, 6×5=30, इतना हो जाएगा,
इसके बाद में 48 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 46.5 हमें क्या होगा, जो कि हमारा रेशियो कितना था, औसत कितना था, तो 46.5 था सही औसत, जो कितना था 46.5 था, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, दो वर्गों के क्षेत्रफल 16:9 के अनुपात में है, उनके परिणामों परिमापों का अनुपात क्या होगा, परिमाप लिखा है, परिमापों का अनुपात करना है, तो क्षेत्रफल जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, दो क्षेत्र दो वर्ग दिए हुए हैं वर्गों का क्षेत्रफल, तो एक A1 है एक A2 है, इसका कितना दिया है 16, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, यही होता है ना, तो भुजा का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, तो कितनी आ जाएगी, ये भुजा कितनी आ जाएगी, तो 4 आ जाएगी, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 9 दिया है, तो 9 का स्क्वायर, ये भुजा कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब देखते हैं हम आगे उसने क्या कहा है, उसके परिमापों का अनुपात क्या है, तो परिमाप का अनुपात ज्ञात करना है, तो जो वर्ग है वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है परिमाप, परिमाप होता है 4a, अर्थात भुजा का इसको 4 × भुजा, तो 4 सब जगह हम क्या कर देंगे 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि भुजा ये भुजा की लंबाई 4 है, एक 3 है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 4 है और एक वर्ग की भुजा की लंबाई 3 है, तो सब में क्या कर देंगे हम 4 का गुणा कर देंगे, तो 4 × 16 और 4 × 3 = 12, तो हमारा कितना आ जाएगा 16:12, क्या हो जाएगा परिमाप कितना हो जाएगा, तो 16:12 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और जो कि एग्जाम में देखने को इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए राशि चक्रवृद्धि ब्याज 205 है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो साधारण ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज है कितना दिया है, सीआई कितना दिया हुआ है 205 दिया हुआ है, लेकिन दर कितनी दी हुई है 5%, तो 5% इस पर हम दर निकालेंगे, तो 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज पर लगा देंगे हम, तो 5 × 10 10.2 कितना हो जाएगा 25, तो 100/10.25 आएगा, जैसे हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो 5 + 5 − 5 × 5, यहाँ पे प्लस लगना है, बटे 100, तो 10 ये हो जाएगा प्लस 25 25 बटे 100, इसका जब हम भाग देंगे तो 10.25 आएगा, यही आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये मैंने डायरेक्ट रख दिया है यहाँ पे, तो यदि हम नीचे से 2 जीरो हटाएंगे, 2 दशमलव कितने अंक बाद लगा है 2 अंक बाद, तो यदि हम दशमलव को क्या करेंगे हटाएंगे, तो 2 जीरो लगाएंगे, यहाँ पे कितना बचा है 205 × यहाँ पे 10,000 आया, 10,000 × 1025, अब हम यहाँ पे कितने का भाग देंगे 25 का भाग देंगे, तो 25 × 100 25 × 100 इतना हो जाएगा 41 का, इसमें हम भाग देंगे तो कितनी जाएगा कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 5 × 20, तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो 2000 जो 2000 है 2000 पे प्रिंसिपल कितना था 2000 था, 2 वर्ष के लिए है तो 5 × 10 हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए हाँ, तो 5 × 10 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 का इसमें 20 का इसमें 10 में गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, जो कि हमारा साधारण ब्याज कितना होगा 200 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो कि देखने को मिलेगा हमें, ऑप्शन नंबर डी पे हम इसको देखेंगे। अगला सवाल देखते हैं इस प्रकार से, इस टाइप से लगना था और ज्यादा कॉल्क्युलेटिव सवाल कुछ नहीं था वो। अगला क्वेश्चन है 30/6 × 5 का
पांच का दो प्लस तीन, दो प्लस तीन माइनस बारह, माइनस बारह दो, तीन गुणा दो, ये हमें ज्ञात करना है। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है हमसे, बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, तो ब्रैकेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट के बाद का को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम फाइंड कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को कर देंगे हम। तो तीस, तो ये तीस भागे छः जस का दस रहेगा, गुणे इसका का हटाएंगे, इसको इसको जोड़ेंगे तो तीन दो पाँच होगा, तो पाँच गुणे पाँच हो जाएगा, तो पचम पच्चीस माइनस, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पच्चीस लिख रहा हूँ, पच्चीस ये माइनस लगा तो मैंने माइनस लगाया, बारह तीन दुना छः, बारह छः बहत्तर, तो मैंने बहत्तर लिख दिए। अब इसका भाग छः का भाग, अब हमें क्या करना है, माइनस लगा गुणा लगा भाग लगा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले भाग करना है। तो छः पंचे तीस, पाँच आएगा, पच्चीस का पाँच में गुणा करेंगे तो एक सौ पच्चीस होगा माइनस बहत्तर। जब हम एक सौ पच्चीस में से बहत्तर कम करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तिरपन आ जाएगा। परफेक्ट आंसर हमारा कितना होगा, तिरपन रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तिरपन रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन था जो कि हमने फाइंड कर लिया है। इस टाइप से और अधिक क्वेश्चन करने के लिए बने रहिए। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, जबकि शिक्षक की आयु को इसमें शामिल किया जाता है तो औसत एक से बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु ज्ञात करें, 40 छात्र थे, अभी शिक्षक को इसमें शामिल नहीं किया गया, इसमें क्या है, ओनली छात्र छात्र है, तो छात्रों का औसत 40 छात्रों का कितना था, 12 था। तो एक छात्र का निकालना है हमें, एक छात्र बराबर कितना हो जाएगा, 12 यहाँ पे 40 का गुणा कायम कर देंगे 12 में, 12 चौके 48 यानी 480 हो जाएगा। इस उसने कहा है कि शिक्षक को इसमें मिला दिया जाए, तो 40 तो पहले थे ही, अब एक शिक्षक को मिला दिया तो 41 हो गए, तो औसत क्या हो जाता है, एक बढ़ जाता है, अर्थात 41 से कितना हो जाता है, 13, 12 से 13 हो जाता है। तो एक का निकालना है हमें, तो 13 गुणे 41, जब हम 41 का इसमें गुणा करने जाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 533 प्राप्त होगा। इसका हम जब इसमें गुणा करेंगे तो 533 होगा, हम 533 में से 480 को कम कर देंगे, तो 533 माइनस 480, तो 3 ये आ गया, यहाँ हुआ 13, 13 में से 8 गया तो 5, हमारा कितना आ गया, शिक्षक की जो, हाँ शिक्षक की जो आयु है वो कितनी है, 53 वर्ष हो जाएगी। शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, 53 वर्ष, शिक्षक की आयु 53 वर्ष के शिक्षक होंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया है, और एज उनकी 53 वर्ष थी तो शिक्षक की इतनी तो होती ही है। एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, आयत की परिधि क्या है, परिधि ज्ञात करना है हमें, क्या करना है, परिधि। उसने कहा लंबाई इसकी, लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो लंबाई है, लंबाई इसकी चौड़ाई की, लंबाई को हम कितना मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, चौड़ाई को हमें कितना मानना पड़ेगा, चौड़ाई को हमें 3x मानना पड़ेगा, क्योंकि 3 गुनी है, तो 3 गुनी मान ली हम, लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई की, इस लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, सॉरी इसकी लंबाई है जो चौड़ाई की 3 गुनी है, तो यहाँ पे 3 करना है, चौड़ाई कितनी है x है और लंबाई कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। तो हम यहाँ देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। तो क्षेत्रफल क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया है, 27 मीटर स्क्वायर, लंबाई कितनी है तो x, चौड़ाई कितनी है 3x, हम गुणा कर देंगे तो 27 मीटर स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर, तो हम यहाँ 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 ना 27, तो 3m स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, तो हम x स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 9m पे क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा,
तो 3 मीटर आ जाएगी। x का मान कितना आ जाएगा? 3 मीटर आ जाएगा। अब हम यहां से x का मान कहां रखेंगे? तो इसमें रख देंगे x का मान, तो 3 तरह का 9। लंबाई कितनी होगी? 9 मीटर। चौड़ाई कितनी होगी? तो 3 मीटर इतनी हो जाएगी। लेकिन हमें तो ज्ञात करना है परिधि। तो आयत की परिधि क्या होती है? परिधि। तो परिधि बराबर होता है 2 × 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई हो, यही हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं तो परिधि बराबर, ये बराबर में चल रहा है 2, लंबाई कितनी है 9, 9 × 3 = 12, जोड़ेंगे दोनों को, जोड़ देंगे तो 9 × 3 = 12 मीटर। तो कितनी आ जाएगी? 12 × 2 = 24 मीटर, 24 मीटर। तो परिधि कितनी आ जाएगी? 24 मीटर आ जाएगी। जो आयत की परिधि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 24 मीटर, जो कि ऑप्शन डी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइम। इस प्रकार के क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावना है, जो कि करने के लिए अभी टाइम कोई नहीं बचा है, इसलिए मैं बहुत फास्ट करा रहा हूं और मेरे साथ जुड़े रहिए। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन ए से निकलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्टेशन बी की ओर जाती है। दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे स्टेशन बी से निकलती है और 40 किलोमीटर की रफ्तार से ए की ओर जाती है। किस समय दोनों ट्रेनें एक दूसरे से गुजरेंगी, अर्थात क्रॉस करेंगी? यहाँ से लेकर इस बिंदु तक, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? 500 किलोमीटर। कितनी है? ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी है? 500 किलोमीटर। क्वेश्चन के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, उसने कहा कि 9 बजे एक ट्रेन, तो 9 सुबह 9 बजे, तो 9 AM पर एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी एक घंटे में कितनी चलती है? वह 60 किलोमीटर चलती है। जब किस ओर चलती है? लेकिन ए से बी की ओर जाती है। दूसरी ट्रेन 10 बजे 10 AM पर बी से ई की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी कि 40 किलोमीटर वह कितनी टाइम में चलेगी? एक घंटे में चलेगी। और जो ट्रेन ए है वह 60 किलोमीटर कितनी टाइम में चलेगी? तो एक घंटे में चलेगी। उसने कहा है कि यह एक दूसरे को कितनी समय पार करेंगे, अर्थात गुजरेंगी। यहां से समय देखते हैं, समय यहां पर 9 बजे ए नंबर की ट्रेन है जो 9 बजे चल जाती है, लेकिन 10 बजे ये चलती है बी नंबर की। जब ये 9 बजे चली है तो एक घंटे तो उसने गति तय की ही होगी। एक घंटे में इसने कितनी गति तय की है? तो 60 किलोमीटर। तो टोटल दूरी तो कितनी है? 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर में कितनी तय हो चुकी है? 60 किलोमीटर तय हो चुकी है। तो 60 किलोमीटर हम कम कर देंगे तो कितनी आ जाएगी? 440 किलोमीटर। इतनी ही बचेगी कि नहीं बचेगी? अब 10 बज चुके हैं क्योंकि यह ट्रेन कितनी चलाई है? 60 किलोमीटर चलाई है। इसके बाद में ये ट्रेन 10 बज चुके हैं, इसके बाद में आप दोनों ट्रेनें क्या हो चुकी हैं? स्टार्ट हो चुकी हैं, चल चुकी हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कितनी दूरी शेष बची है, तो 440 किलोमीटर बची है। यहाँ पे दोनों ओर की चालों को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे तो 60 × 40 तो 100 हो जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। बटे के बटे में है तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। किलोमीटर से किलोमीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 440 × 100 × h आ जाएगा, यानी घंटा। इसका हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे, 4 × 40, तो 4 घंटे तो वैसे ही आ गया। इसके बाद में कितना बचा? 4 × 4 = 10। ये काय में है? मिनट में है। अभी इसको काय में कन्वर्ट करना है? घंटे में। तो 7 का क्या करना पड़ेगा? गुणा, तो 10 × 60, तो 4 × 6 = 24 मिनट। 4 × 24 मिनट में। लेकिन ये समय नहीं दिया हुआ है कि कब पार करेंगे, लेकिन उसने ये दिया है कि कब पार करेंगे। तो देखो 10 बजे तो चालू हुई थी, 10 बजे के बाद 10 बजे में 10 बजे तो अपनी चालू हुई थी, इसके बाद में 4 × 24 मिनट और लगा है इसे, 10 से 11 12 1 2, तो 2:24 पर ये क्या करेंगे? एक दूसरे को पार करेंगे।
जो कि ऑप्शन हमारा परफेक्ट दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी नंबर पे दो पहर, यानी ये तो 100 से चली थी तो दो पहर हो गई है 2:24 पर, तो एक दूसरे को पार कर जाएंगे अर्थात गुजर जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार से, जो कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हुआ और आप कर पाए होंगे। इसी प्रकार से करना था, सिंपल था, जो कि इतना हाई हो गया है तो आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, वरना चंद सेकंडों में उसे कर सकते थे। वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? वर्ग अंतराल है तो ऑप्शन में दिया हुआ है आवृत्ति वितरण, वर्गाकार, श्रेणी, बहुलक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वर्गाकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वर्ग आकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्गाकार। ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रामा और हरी मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। रामा हरी से 2 गुना तेज काम करता है, फिर हरी अकेले यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? हरी का ज्ञात करना है, तो रामा है और हरी है। रामा और हरी दो व्यक्ति हैं, ये दोनों मिलकर के कितने दिनों में काम कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। लेकिन उसने कहा है कि रामा हरी की तुलना में 2 गुनी गति से काम करता है, तो ये क्या हो गई? उनकी दक्षता हो जाएगी। लेकिन जब समय करेंगे तो समय में क्या हो जाता है? यह अनुपात बदल जाता है, तो बदल जाएगा। तो रामा 1 घंटे में काम करेगा और हरी कितना करेगा? 2 काम करेगा। अब देखते हैं कि 15 तो ये काम है ही है, टोटल काम कितना है? 3 दिया हुआ है। किसको कराना है भाई? हरी को कराना है, तो उसका कितना है? ऑप्शन 2 है, तो 2 का भाग दे देंगे तो 2 से इसको काट देंगे, 15 × 3 = 45, तो कितना आ जाएगा? 45 हमारा 45 दिन लगेंगे। किसको करने में? हरी को करने में कितने दिन लगेंगे? तो 45 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लगेंगे? 45 दिन। इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि एक तालिका दी हुई है, तालिका को देखते हैं और समझते हैं हम कि किस प्रकार की तालिका दी हुई है। तो तालिका देखते हैं हम, तालिका का ठीक से अध्ययन करें और आंकड़े की व्याख्या करके उत्तर दें। तालिका में एक राज्य में 5 जिलों में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत और पुरुषों और महिलाओं की अनुपात दर्शाया गया है। एक तालिका दी हुई है पुरुष महिला की, जो कि आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे। D1 में कुल जनसंख्या 30,000 है। जिला D1 की गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसमें जनसंख्या दी हुई है, वो कितनी दी हुई है? 30,000 दी हुई है। टोटल पब्लिक दी हुई है 30,000। उसने कहा है कि D1 में देख रहे होंगे, D1 में, तो D1 में क्या है? महिलाओं के लिए दिया है, तो कुल संख्या कितनी दी हुई है? 15/100, क्योंकि 15 दी हुई है तो 15/100 कर देंगे। महिलाओं का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3, पुरुषों का 2, तो टोटल 5 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 × 6 = 30, तो 60 × 15 × 3, 15 × 6 = 90 यानी 900 × 3, तो 9 × 3 = 27। कितना आ जाएगा हमारा परफेक्ट आंसर? 2700 रुपये आ जाएगा। जो कि आज का क्वेश्चन जो था, ये लास्ट क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन मुझे आशा है कि आएगा और इसे इस प्रकार से आप लोग चंद सेकंडों में कर पाएंगे। और इस प्रकार का क्वेश्चन जो बनता था, जितने भी क्वेश्चन बनते थे, सभी टाइप के क्वेश्चन मैं इस टाइप से करा चुका हूँ। मैं रोज प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूँ, तब कोई ना कोई प्रकार का एक क्वेश्चन इस टाइप का रखता हूँ, जो कि तालिका करने में थोड़ा टफ रहता है और आपको कोई भी टफ नहीं लगेगा। जय हिंद। यदि आपको लगे कि जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ठीक हैं, तो अपने दोस्त को बताइए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।